Welcome to Angan Public School. Dear students, hope you all are doing great. Today, we discuss about the very important topic of the grammar, the sentence. Okay, this is the first chapter of English 2. Okay, you all are known, we use sentence when we speak, read और write. ओके आप सबको पता है कि सेंटेंस हम सब जगह पे बेसिकली यूज करते हैं, जब बोलते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं. ओके तो वॉट इज अ सेंटेंस. ओके वॉट इज अ सेंटेंस. ओके हियर आर डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. ओके अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ओके सेंटेंस यानी कि एक वर्ड्स का ग्रुप होता है. ओके उसको हम जोड़ के एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल सेंटेंस. ओके हियर आर गिवन सम एग्जांपल. ओके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके थ्रू हम थोड़ा सेंटेंस के बारे में जानेंगे. ओके हियर इन दिस फर्स्ट एग्जांपल माय मदर इज अ हाउसवाइफ. सेकंड पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. थर्ड सी इज अ सिंगिंग. फोर माया हैज अ डोर. फिफ्थ जॉन हैज अ काइट. ओके अगर मैं ऐसा बोलूंगी माय मदर तो इट इज अ सेंटेंस. क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं. ओके क्योंकि ये इनकम्प्लीट है. ओनली माय मदर तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा. अगर पर मैं ऐसा बोलूंगी माय मदर इज अ हाउस वाइफ तो दिस इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके सेकंड इज पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड. सी इज सिंगिंग. माया हैज अ डॉल. जॉन हैज अ काइट. तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, सेंटेंस है. क्योंकि ये सब एग्जांपल्स क्या है, एक वर्ड्स का ग्रुप्स है. ओके जिससे एक मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनता है. ओके सेकंड पॉइंट इज अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ओके अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब को कंटेन करता है. ओके एवरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होते ही हैं. ओके लाइक फर्स्ट एग्जांपल माय मदर इज अ हाउसवाइफ. ओके तो माय मदर इज अ सब्जेक्ट. पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड. पीकॉक इज अ सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट हियर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब. ओके नेक्स्ट सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? ओके एज यू ऑल नो द सब्जेक्ट इज समथिंग वी टॉक अबाउट. ओके आप सबको पता है, आप लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में हम बोलते हैं. ओके जैसे कि माया हैज अ कार. ओके माया हैज अ कार. माया के पास कार है. किसके पास कार है? माया के पास. सो माया इज सब्जेक्ट. ओके जॉन हैज अ काइट. किसके पास काइट है? जॉन के पास. तो जॉन इज अ सब्जेक्ट. ओके नाउ नेक्स्ट टू कम व्हाट इज अ वर्ब. वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी कि डूइंग वर्ड्स. क्या? डूइंग वर्ड्स. ओके उसको दूसरे वे में हम बोले तो अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट. अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और स्टेट. ओके यानी कि वर्ब क्या होता है कि जो एक्शन बताता है जो वर्ड. ओके लाइक क्राई, वॉक, रन. ओके तो जो भी वर्ड एक्शन शो करता है ओके उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब. ओके फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. ओके बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. ओके तो प्लेइंग इज अ वर्ब. ओके बिकॉज प्लेइंग इज अ एक्शन वर्ड. ओके नाउ सेकंड ही टोट मी इंग्लिश. ओके उसने मुझे इंग्लिश सिखाया. तो टोट यानी सिखाना. ओके तो इट इज अ वर्ब. ओके स्टूडेंट्स हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस. यू शुड रिमेंबर दिस थ्री पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. ओके सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का जब स्टार्टिंग होता है तो उसका जो स्टार्टिंग वाला वर्ड का जो इनिशियल लेटर होता है वो कैपिटल आपको राइट करना है. ओके नाउ सेकंड द प्रोनाउन आई शुड ऑलवेज बी रिटन एज अ कैपिटल लेटर. ओके
प्रोनाउन आई आपको ऑलवेज कैपिटल लेटर में राइट करना है. ओके, नाउ थर्ड, दी शुड बी अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, वी पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में हमको अगर वो सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन होगा तो उसमें क्वेश्चन मार्क हम पुट करेंगे. ओके, अदरवाइज हम क्या पुट करेंगे, फुल स्टॉप. ओके स्टूडेंट्स, दिस थ्री पॉइंट यू शुड रिमेंबर. ओके स्टूडेंट, हियर आर गिवन सम एक्सरसाइज, नाउ वी विल डू. ओके, एक्सरसाइज वन, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, आपको यहाँ पे सेवन क्वेश्चंस दिए हैं. ओके, सेंटेंस दिए हैं, ये जो सेंटेंस है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, अनजम्बल है. ओके, जो वर्ड्स है वो अनजम्बल वर्ड्स है, तो आपको उसको प्रॉपर वे में राइट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. ओके, लाइक फर्स्ट, मिल्क द कीव्स काव अस. ओके, तो हाउ टू राइट दिस सेंटेंस, the cow gives us milk. Okay, here in this sentence the cow is subject and gives is verb. Okay, is the in this sentence first letter is capital and we put full stop in the end of the sentence. Okay, second question is, has green a he pen. Okay, he has a green pen. Okay, now third, palest thing in the leaves of. Okay, the king lives in a palace. Okay, fourth, rises the east the sun in. तो कैसे हम राइट करेंगे ये सेंटेंस को, the sun rises in the east. Okay, हमने कितने सेंटेंस सोल्व किए, फोर सेंटेंस सोल्व किए. Okay, तो हर एक सेंटेंस में एंड में हमने फुल स्टॉप पुट किया है. ओके, फर्स्ट इनिशियल लेटर हमने क्या किया है, कैपिटल राइट किया है. ओके स्टूडेंट, ओके, इन दिस थर्ड सेंटेंस द किंग इज सब्जेक्ट एंड लीव्स इज वर्ब. इन फोर्थ द सन इज सब्जेक्ट एंड राइजेस इज वर्ब. ओके, नाउ फिफ्थ, इज द क्लेवर एनिमल हॉर्स अ, द हॉर्स इज अ clever animal. Okay, the horse is a clever animal. Goes bus school by he too. He goes to school by bus. Okay, runs 20 made hurry. Hurry made 20 runs. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेवन सेंटेंस आपको दिए हैं, हमने इसको प्रॉपर ऑर्डर में एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बनाया है. ओके, लेट अस रिवाइज, द काउ गिव्स अस मिल्क, ही हैज अ ग्रीन पेन. थर्ड, द किंग लिव्स इन अ पैलेस. फोर्थ, द सन राइजेज इन द ईस्ट. फिफ्थ, द हॉर्स इज अ क्लेवर एनिमल. सिक्स, he goes to school by bus. 7, Hari made 20 runs. Okay, now we will do exercise 2. Exercise 2, below are given some groups of words, tick off right those that are complete sentence and put a cross against those that are not sentence, put a full stop. Okay, and put a full stop. आपको क्या करना है कि अगर देखो यहाँ पे आपको 10 सेंटेंस दिए है. ओके, अगर ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है, ओके, तो आपको उसके एंड में क्या पुट करना है, फुल स्टॉप पुट करना है और फर्स्ट लेटर इनिशियल लेटर आपको
कैपिटल राइट करना है, ओके, और आपको फुल सेंटेंस आपको वापस लिखना है, ओके स्टूडेंट। और आपको अगर ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, तो आपको वहाँ उस वो सेंटेंस के सामने आपको क्रॉस पुट करना है, ओके। हियर इन फर्स्ट सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द रोड, इन द मिडल ऑफ द रोड, बट क्या मिडल ऑफ द, तो ये जो सेंटेंस है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ओके। सो हियर वी पुट क्रॉस, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, दिस बुक इज कॉस्टली, ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, ओके। सो हियर वी राइट, दिस बुक इज कॉस्टली, ओके, और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप। नाउ थर्ड, द फार्मर इज अवर फ्रेंड, ओके, दिस इज ऑल्सो मीनिंगफुल सेंटेंस, सो हियर वी पुट राइट, ओके, एंड द फार्मर इज अवर फ्रेंड, ओके, हियर आर फुल स्टॉप। नाउ फोर्थ, व्हाइल गोइंग टू द मार्केट, ओके, तो दिस इज द इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो हियर वी पुट क्रॉस साइन। फिफ्थ, टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज द फुल सेंटेंस एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, सो हियर वी पुट राइट साइन एंड टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, ओके स्टूडेंट। नाउ सिक्स, इफ यू हेल्प योर फ्रेंड, तो दिस इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो हियर वी पुट क्रॉस साइन। नाउ सेवन, दिस शार्प नाइफ, ओके, तो दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो हियर वी पुट क्रॉस साइन। नाउ एट, वी शुड वर्क हार्ड, ओके, तो दिस इज द कम्प्लीट सेंटेंस एंड मीनिंगफुल, सो हियर वी पुट राइट साइन एंड राइट, वी शुड वर्क हार्ड, ओके, फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट, गॉड मेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड, ओके, तो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस, सो राइट, गॉड मेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट, अनलेस ही रन्स फास्ट, तो दिस इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो हियर वी पुट क्रॉस साइन। आज समझ में आपको, अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा तो आपको क्रॉस साइन पुट करनी है, अगर वो फुल सेंटेंस होगा और मीनिंगफुल सेंटेंस होगा तो आपको राइट साइन करके फिर आपको वो सेंटेंस को रिवाइज फिर से करना है, फिर से राइट करना है, बट उसमें सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप पुट करना है और इनिशियल लेटर आपको क्या करना है, कैपिटल राइट करना है, ओके स्टूडेंट्स। हियर आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ओके, चैप्टर वन द सेंटेंस यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नाउ वी विल डिस्कस अगेन द सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, लेट अस रिवाइज, व्हाट इज अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ओके। सेकंड पॉइंट, अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ओके, सो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, द सब्जेक्ट इज समथिंग वी टॉक अबाउट, ओके, एंड व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज डूइंग वर्ड्स, एंड ऑल्सो अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट। हियर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सेंटेंस, फर्स्ट वन इज ए सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, ओके, सेकंड वन, द प्रोनाउन आई शुड ऑलवेज बी रिटन एज अ कैपिटल लेटर, थर्ड, दिस शुड बी फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, ओके स्टूडेंट। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट द सेंटेंस, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके स्टूडेंट, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।